गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल साइन ब्यूटी हब। टुडे इस मेकअप में मैं आपको बताने वाली हूँ जो महंगे महंगे सामान अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए है कि आप आसानी से घर पर सस्ती चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो और मेकअप इजीली कर सकते हो गाइज। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में पास में बने घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में। स्टार्ट करते हैं वीडियो और स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको करना है कि आपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद में आपको करना है, आपको लेनी है फेयर एंड लवली वीवी क्रीम। ये मैंने ली हुई है, आपको पाउच भी मिल जाएगा 10 रुपीज़ में इसका पाउच आता है, उसको निकाल लेना है। ये फाउंडेशन का वर्क करती है गाइज और साथ ही साथ क्रीम का भी वर्क करती है। मैंने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ओनली ऑन मैंने फेस पर लगाया है मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैं ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर से डॉट्स बना लेने और उसको हल्के हाथों से आपको इस तरह से देख लीजिए ब्लेंड कर लेना है जिस तरह से मैंने किया। अभी मैंने नेक पर नहीं किया तो मैं नेक पर भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि नेक का हिस्सा अगर आप नहीं लगाएंगे तो अलग से दूर से चमकेगा जो कि बहुत ही भद्दा लगेगा और आपका फेस और आपका मेकअप को ये ख़राब कर देगा। इस तरह से देख लीजिए मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इस तरह से आप कर लीजिए। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो बट मैं नॉर्मली दिखा रही हूँ जिनके पास नहीं होता है उन लोगों के लिए। सेकेंड में ले रही हूँ यहाँ पर पॉन्ड्स पाउडर, जी हाँ ये सभी के पास अवेलेबल होता है। नहीं हो तो आप जॉनसन्स बेबी पाउडर का भी यूज कर सकते हो। पाउडर आपको हल्के से लगाना जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, ये आपके मेकअप को सेट करेगा, यानी आपने जो क्रीम अभी अप्लाई की थी उसको ये अच्छे से सेट कर देगा। तो गाइस इस तरह से आप लगा लीजिएगा अपने फेस के ऊपर। मैं हमेशा से ऐसे वीडियोस लेके आती हूँ जिसके पास सामान हो भी और नहीं भी वो दोनों लोग आराम से इसको ईजिली कर सकते हो। तो अभी मैं अपने आँखों के ऊपर से इसको लगा रही हूँ इफ़ेक्टिव तरीके से जिससे कि आपको जब शैडोज़ का यूज करें तो परफेक्टली आपका फेस बनकर आए। तो देख लीजिएगा ये मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। सेकेंड अभी आपको करना क्या, आपको लेनी है यहाँ पर जिस तरह से मैंने ली हुई है लिपस्टिक, ये एडिडास की। और मैं ये बता दूं आपको यहाँ पर मैं कोई महंगा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं ये वीडियो नॉर्मल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके पास नहीं होते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए आपको अपर लेसेस पर इसको अप्लाई करना हो और नीचे के साइड पर अप्लाई कर लेना है। अपने आँख को आप क्लोज कर लीजिए, उसके बाद आपको ऊपर वाले एरिया पर इस तरह से अपने हाथों से इसको लगाना है, दोनों आईज पर लगा लीजिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और लगाने के बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, इस तरह से देख लीजिए जो मैंने किया हुआ है ये आप करोगे तो आपको भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा गाइस। तो देख लीजिए अच्छा इवन होकर आया है आपका फेस, इस तरह से देख लीजिए दोनों आँखों के ऊपर से आपको अप्लाई करना है। तो देख सकते हो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। सेकेंड आपको करना क्या, ये सिमर की डिब्बी आती है, आपको नॉर्मली 10 रुपये में ही मिल जाएगी मार्केट में। तो मैंने ब्रश लिया हुआ है और सिमर को मैं अपने आँखों के ऊपर आई शेडो पर अप्लाई करने वाली हूँ, इस तरह से देख लीजिएगा। मैं इसमें ब्रश में ले रही हूँ और मैं इनर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करूँगी गाइस। तो देख लीजिएगा आप, आपको इसी तरह से लगाना है। मैं ब्रश से भी लगाकर दिखाऊंगी, अगर आपके पास नहीं हो और नहीं लगा पाते हो तो मैं सेकंड आईज में आपको उंगली से भी लगाकर दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लगा सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा अप्लाई कर लीजिएगा अपने हाथों पर। अगर ब्रश का यूज करें तो ब्रश का यूज कर लीजिए, नहीं तो आप उंगली का यूज करें तो उंगली का भी यूज कर सकते हो गाइस। अभी मेरा लग गया है तो अभी मैं आपको सेकेंड आईज पर भी लगाकर दिखा देती हूँ। तो गाइस आपको करना क्या है, यह मैंने उंगली में और उंगली की सहायता से आप फिंगर की सहायता से अपने आँखों पर लगाना है, यानी आपको इनर कॉर्नर से लगाना है, इस तरह से देख लीजिएगा। और आप अगर फिंगर की मदद से भी लगाओगे तो ये परफेक्टली इवन होकर आ जाएगा। तो नाउ देख सकते हो मैंने शेडोज़ का यूज़ कर लिया है, यानी मैंने सिमर का यूज़ करके अपने आँखों पर अप्लाई कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपको पेंसिल लेनी है। ये पेंसिल भी आपको 10 रुपये में समथिंग मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती आती है ये पेंसिल। तो आपको अपने आईब्रोज को सेट करना है जिस तरह से मैं रही हूँ गाइज, इस तरह से आपको अपनी पेंसिल का यूज करना है। और इसी पेंसिल का यूज आप अपने काजल के लिए भी कर सकते। मैं इसको लोअर एरियाज पर लगा रही हूँ जिस तरह से देख लीजिएगा। आप अपने काजल का यूज अगर आप फुल आंख पर करना चाहो तो कर लीजिएगा बट मैं फुल पर नहीं करूँगी, मैं अपना इनर साइड ने थोड़ा सा छोड़ूंगी जिस तरह से देख लीजिए मैंने छोड़ कर रखा है बिकॉज मुझे ये लुक अच्छा लगता है इसीलिए। नहीं तो आप आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक आप काजल अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यूज कर लीजिएगा जिस तरह से देख लीजिए मैंने अभी किया हो। अभी मेरा हो गया है, नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले
यार ये भी काफ़ी सस्ता है, आप मार्केट से चाहो तो इसको ले सकते हो, 20 रुपीज़ में समथिंग आ जाएगा ये। और ये आपको अप्लाई करना है अपने, मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ अपर एरिया पर, देख सकते हो इस तरह से दोनों आइस के ऊपर से आपको लगा कर लेना है। गाइस देख लीजिए मैंने दोनों पर अप्लाई कर लिया है। और ये मैं बता दूँ ये मेकअप मैं ऑनली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास प्रोडक्ट नहीं होते हैं। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं काफ़ी सस्ता है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट आप ये सोचिए काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं होते हैं। मैं उन सभी के लिए ये वीडियो लेके आती हूँ हमेशा। तो आपको करना क्या, मैंने हल्का सा इसमें सिमर लिया हुआ है, मैं लोअर लैशेस पर इसको यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये अच्छा लगता है लुक, तो मैंने इसको लगा लिया है अपने आइज़ के ऊपर से। आप देख सकते हो थोड़ा सा मेरा हल्का सा फैल सा गया था तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है गाइस। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, नई लिपस्टिक इस तरह से देख लीजिएगा, ये मैंने ली हुई है, ये वही है जो मैंने आईज पर अपनी यूज की थी यानी आंखों पर यूज की थी। तो आपको अच्छे से अपने लिप्स के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये एडिडास की ऑलरेडी मैंने इसको आपको बता दिया था, इस तरह से देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसी लिपस्टिक का यूज करेंगे आप अपने ब्लशर के लिए। तो गाइज इसको अप्लाई कर लिया है तो अभी आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको ब्लशर का यूज करना है ऑलरेडी मैंने अभी बताया था। तो दोनों साइड पर आपको हल्के से इसमें डॉट्स से बना लेने हैं, हल्के या डार्क मत कर लीजिएगा, हल्के से ही बनाने हैं। उसके बाद में आपको इसको करना क्या है गाइज, आप चाहें तो ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो मैं फिंगर की टिप की मदद से आपको बता रही हूँ किस तरह से आप नॉर्मली इसको ब्लेंड कर सकते हो। अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगा आप के ऊपर। तो नाउ गाइस देख सकते हो मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड और आप देख सकते हो लुक कितना अमेजिंग आया है। अभी मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पर सिमर, वही सिमर जो मैंने अप्लाई किया था अभी आईज के ऊपर, तो मैं इसका एज अ हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। इसका टच ना अमेजिंग आएगा गाइस, अभी आप देखोगे फाइनल लुक तो आप बोलोगे भी नहीं कि इतने सस्ते से सामान में अपना इतना महंगा मेकअप कर लिया है। तो देख लीजिए मैंने इसको अभी से कर लिया है ब्लेंड। तो अभी क्या करना है, लेनी है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। जी हाँ गाइस ये मैंने वैसलीन पेट्रोलियम जेली ली है क्योंकि मैंने यहाँ पर मस्कारा का यूज करना छोड़ दिया था बिकॉज मैं मस्कारा यूज नहीं करती हूँ, बट आप सभी लोगों के लिए अगर आप यूज करते हो तो मैं ये ट्रिक बता देती हूँ, आपका वैसलीन पेट्रोलियम जेली मस्कारा का ही वर्क करती है। तो इस तरह से आप अपने आईलैशेस के ऊपर से लगा लीजिएगा, परफेक्ट इवन होकर आएगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका जो फाइनल लुक आएगा गाइस, तो देख सकते हो नाउ रेडी है, मैं आप बोल भी नहीं सकते हो मैंने किन चीज़ों का यूज किया, परफेक्टली इवनली ये मेकअप होकर आया। कहीं पर भी जा रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो